हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। इन सारे चीज़ सेट करने के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे प्रोफेशनल मोड। तो प्रोफेशनल मोड में अभी देखिए इतने सारे फीचर्स है। सबसे पहला फीचर मैं आपको बताऊंगा अल्ट्रा HD। ये तो वीवो का फेमस फीचर है। कोई भी आप लैंडस्केप पिक्चर्स ले रहे हैं, ऐसे वाले पिक्चर्स में यूटिलाइज नहीं होगा, लैंडस्केप का पिक्चर्स ले रहे हैं तो आप हमेशा इस चीज़ को यूज़ कीजिए अल्ट्रा HD को। इससे क्या होता है, बहुत ही बढ़िया रेजोल्यूशन अराउंड 20-40 मेगापिक्सल तक आ सकता है आपका इमेज। तो देखिए यहाँ से मैं अगर कैप्चर करता हूँ तो आपको बिल्कुल स्टेडी रहना है, शेक नहीं करना है, थोड़ा शेक करेंगे तो भी वो रेजोल्यूशन आपको इतना क्लैरिटी नहीं देगा। तो ये एक आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ऐसे वाले इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ लैंडस्केप वाले इमेजेस को आप ज़्यादातर अल्ट्रा HD मोड ऑन करके यूज़ कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन, ये वाला भी बहुत ही अच्छा फीचर है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी येलो आता है तो बिल्कुल स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल पर। जैसे कि मैंने बताया ग्रिड लाइंस को यूज़ करना है आपको, वैसे ही येलो लाइन स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा प्रो मोड यूज़ करते वक्त आप इस चीज़ को ना भूलें एनेबल करना। तो इसको एनेबल करेंगे तो देखिए थोड़ा भी मैं ऐसे क्रॉस करता हूँ तो लाइंस क्या होगा, क्रॉस चला जाएगा। तो वो बोल रहा है कि ठीक से आपने कैमरा को पकड़ा नहीं। तो अभी येलो लाइन आएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल लेवल पर। तो ऐसे आप फ्रेमिंग बनाकर इमेजेस को कैप्चर करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो इसके बाद ये हमेशा ऑन रखिए, ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कैसा स्ट्रेट लाइंस है या फिर नहीं। तो नेक्स्ट ये वाला है रीसेट। अगर कोई भी चीज़ को आप ऐसे ही चेंज किए या फिर आप किसी को मोबाइल दिए तो उन्होंने चेंज करके दे दिया आपको प्रोफेशनल मोड में, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को एक बार ऐसे टैप करेंगे तो सारा चीज़ जो है वो रीसेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होता है, आप फिर से जो जैसा चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑटो फोकस, ये तो आपको पता होगा ऑटो फोकस। देखिए स्लाइडर मीटर है, एक छोटा सा फ्लावर आइकॉन दिख रहा है ना, ये फ्लावर आइकॉन जो है मैक्रो शॉट्स के लिए, यानी जितना क्लोजअप इस कैमरा से जितना क्लोजअप हो सकता है उतना क्लोजअप में फोकस रहेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि कहाँ पर फोकस आ रहा है। एक बार ऐसे जाकर देखेंगे तो देखिए इस डिस्टेंस में बिल्कुल मिनी ऑन फोकस पर है, वेरी वेरी फोकस शार्प है। तो मैं अगर कैप्चर करूँ तो मैक्रो देखिए क्लोजअप वाला इमेज बिल्कुल शार्प इमेजेस आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे शार्प इमेजेस लेने के लिए ऑलवेज यूज मैनुअल फोकस। तो ऐसे देखकर देखिए, अभी मैं इतनी दूर पर हूँ तो यहाँ पर फ्लावर पर रखा है तो देखिए ब्लर दिख रहा है ना आपको, तो ऐसे नहीं। अभी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर मुझे इतने दूर से कैप्चर करना है और सारा फ्रेमिंग फोकस में आना है तो बिल्कुल धीरे से आप ऐसे चेंज कीजिए, चेंज करते ही आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि कहाँ पर फोकस है। तो इसको एंश्योर करने के बाद क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सारा इमेज फोकस पर आएगा। अगर मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है पीछे तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाइए, लैंडस्केप इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया फोकस यहाँ पर अभी चला गया। तो ऐसे आप फोकसिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं एंड यूज़ करने के बाद कैप्चर करें पिक्चर्स को। तो ऐसे आप अलग अलग फीचर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस इंडोर सिचुएशन में, जैसे कि अभी हम इंडोर में है, अंदर एक रूम के अंदर है, तो यहाँ पर कई बार लाइटिंग ठीक से नहीं रहता है, कई बार लाइट्स ऑन हुए रहते हैं, कई बार अलग अलग वेरी होता रहता है। तो उसके टाइम में आप क्या करना है, ऐसे चेंज करके आप देखिएगा कि कौन सा फिट बैठता है। बिल्कुल सारा चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट कलर्स में आना है, तो ऐसे कलर्स में आते ही एक्यूरेट उस सेटिंग से आपको कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस को। वैसे आप यूटिलाइज करें वाइट बैलेंस को, हालांकि इसमें कस्टमाइज्ड वाइट बैलेंस नहीं, ऑनर मोबाइल कुछ मोबाइल्स में कस्टमाइज्ड नंबर देते हैं, उससे आप एक्यूरेटली कलर वाला इमेजेस ले सकते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसे प्रीसेट मोड्स तो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट फीचर है शटर स्पीड। देखिए शटर स्पीड ऐसे टाइम में यूज़ होता है, मान लीजिए कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर तो झट से ऐसे फ्रीज करना चाहते हैं आप, तो आप बिल्कुल शटर स्पीड को यूज़ करके देखिए, जैसे ही मैं अपने फिंगर को ऐसे मूव कर रहा था तो झट से वो पकड़ लिया, क्योंकि फास्ट शटर स्पीड मैंने रखा है तो ऑटोमेटिकली फास्ट शटर स्पीड लिया है तो बिल्कुल फ्रीज करेगा कोई भी मूवमेंट्स को। अगर आपको जानबूझ के मोशन लाना है सब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट्स में तो आप इसको स्लो रख सकते हैं। अगेन इस चीज़ को आपको कैसे यूज़ करना है, विथ ISO। देखिए ISO अलॉन्ग विथ ISO आपको इस चीज़ को यूज़ करना है, अदरवाइज ऐसे ब्राइटर इमेजेस मिलेंगे आपको
डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग कंडीशंस वैसा यूटिलाइज करके आप पिक्चर्स को लीजिएगा, ना कि जैसा चाहिए वैसा, ऐसा नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोजर वैल्यू, जैसे कि मैंने टैप टू फोकस यूज करके वो जो स्लाइडर हम चेंज करते हैं वो वाला यहीं पर है एक्सपोजर वैल्यू, ऐसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसी तरह आईएसओ को हमेशा ऑटो रखिए, कैमरा अच्छी तरह से वर्क होगा। एंड वैसे ही मैनुअल फोकस ऑटो फोकस तो आप कर ही सकते हैं। तो इन सारे चीज देखने के बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छी तरह से निकालना है एंड क्या क्या और कैमरा सेटिंग्स है इसमें, क्योंकि लंबा वीडियो हो सकता है। तो इस पर यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए सब्सक्राइब करके, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक पर ठोके, चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।